हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यहाँ पे घंटी बनी हुई है वो भी दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर आप चाहते हैं हमारे क्लिनिक से कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले और आसानी से मिले तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनवांटेड हेयर यानी कि अनचाहे बाल और हिरसुटिज़म, हाइपरट्राइकोसिस और विरिलाइजेशन। तो ये है जो बहुत ही कॉमन है व्यूअर्स का, बहुत ही एक रिक्वेस्ट का टॉपिक ही है ये। और इसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा बाल अगर आ जाते हैं इन केस ऑफ फीमेल, बहुत ज़्यादा जिसको कि हम हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं और हिरसुटिज़म, ये दोनों डिफरेंट हैं, कितने डिफरेंट हैं, क्या इनमें डिफरेंस है, वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो में हम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस यानी आपको जीवन शैली में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अगर आप इससे निजात चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा मेडिसिन डिटेल में करना भी ऐड स्टार्ट कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें मेडिसिन का पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको जो है हम तीन टाइप्स में कह सकते हैं। सबसे पहले आता है हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर यानी कि ज़्यादा, और ट्राइकोसिस यानी कि बालों का होना। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी ज़्यादा बाल हैं तो उसको हम हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं। ये कहीं पे भी हो सकते हैं और ये कॉमन प्रॉब्लम मतलब हो सकता है। सेकेंड पे हम रखेंगे हिरसुटिज़म। हिरसुटिज़म का मतलब होता है मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ। अगर किसी फीमेल पेशेंट में अगर मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ हो जाती है यानी कि एंड्रोजन इसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, एंड्रोजन का लेवल जो है, एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है जो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है फीमेल में, तो उस वजह से हिरसुटिज़म का प्रॉब्लम हो जाता है यानी फीमेल में मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ बढ़ जाते हैं। ये आपको पर्टिकुलर एरियाज पे होते हैं जैसे चेस्ट पे हो सकते हैं, लोअर एब्डोमेन पे हो सकते हैं, इनर थाइज पे हो सकते हैं, जो एक हेयर ग्रोथ होता है इसमें एक पर्टिकुलर हेयर ग्रोथ यानी कोर्स हो जाते हैं, बहुत ही हार्ड हेयर और कोर्स हेयर इसमें हो जाते हैं। एक थर्ड इसमें आता है विरिलाइजेशन। विरिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए विरिलाइजेशन का मतलब है अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको विरिलाइजेशन कहते हैं। तो ये हमने तीन यहाँ पे जो है टर्म्स डिस्कस करी हैं कि हाइपर ट्राइकोसिस क्या है, हिरसुटिज़म क्या है, विरिलाइजेशन क्या है, और तीनों में ही जो है आपके बॉडी हेयर ग्रोथ बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये यहाँ में हमने इनमें अंतर देखा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब हम यहाँ पे मेन हमारा फोकस रहेगा हिरसुटिज़म के बारे में, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हिरसुटिज़म मैंने डिस्कस कर ही दिया है कि इसमें आपका एंड्रोजन मेल हार्मोन लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ हो जाती है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कारण कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए इसको हम जीन जेनेटिक भी मानते हैं यानी कि जीन्स भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा माना जाता है कि जो है हिरसुटिज़म फैमिली में रन करता है यानी आपके मदर को है, तो चांसेस हो जाते हैं कि जो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये फैमिली में भी रन करता है, ये जेनेटिकल भी है। सेकेंड आता है इसमें हॉर्मोन्स, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ये एक एंड्रोजन सेंसिटिविटी इशू है और इसमें आपका मेल हॉर्मोन एंड्रोजन बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपको मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ हो जाता है। और इसी में ही एग्जाम्पल भी आपने देखे होंगे PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और कशिंग सिंड्रोम है, ट्यूमर इन एड्रेनल ग्लैंड है जिसमें आपने देखा होगा कि जो है मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ हो जाती है। लास्ट में थर्ड कॉजेस, थर्ड वजह और थर्ड कारण है इसके लिए ड्रग्स यानी कुछ मेडिसिंस होती हैं, जैसे आपने हेयर ग्रोथ के लिए जो मेडिसिंस होती हैं जैसे रोगेन माना जाता है और मिनोक्सिडिल जो आप स्कैल्प पे यूज़ करते हैं, कई बार उसके साइड इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट्स कह सकते हैं यानी आपके फेशियल हेयर्स और अदर बॉडी पार्ट्स में भी हेयर्स बढ़ जाते हैं। तो मेडिकेशन ड्रग्स भी इसके पीछे हो सकती हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी यहाँ पे ब्लेम करे जाते हैं जो है एक्सेस हेयर के लिए। इनको कैटेगराइज में रखें तो हम एड्रिनल कह सकते हैं कि एड्रिनल एक ग्लैंड है, उसकी वजह से भी उसमें कोई ट्यूमर यानी गांठ हो सकती है जिसकी वजह से आपको हिरसुटिज़म का प्रॉब्लम हो सकता है। और जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है कशिंग सिंड्रोम और एक्रोमेगैली, ये भी दो डिसऑर्डर हैं जो कि आपके लीड करते हैं हिरसुटिज़म यानी एक्सेसिव हेयर के लिए। ओवेरियन की अगर हम बात करें यानी ओवरी में आपका जो है कुछ सिस्ट जो हमने बात करा PCOS के लिए गांठें बन गई हैं या फिर वहाँ पे जो है कोई ट्यूमर है, अगेन कोई गांठ है, तो उसकी वजह से किसी भी तरह का वो ट्यूमर हो सकता है, ये लीड करते हैं सारे हिरसुटिज़म को। और एक्सटर्नल में हमने बात कर ही दी है कि आपके ड्रग्स आते हैं, मेडिसिन आती है जो एक्सटर्नल कॉज भी माना जाता है। तो ये हमने बात करी कारण वजह की कि इसके पीछे ये वजह हो सकती हैं।
अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की, लक्षण की, कि अगर आपको हिर्सुटिज्म का प्रॉब्लम है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स लक्षण हो सकते हैं। देखिए, हिर्सुटिज्म यानी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ मेल पैटर्न अपने आप में एक सिम्टम है, लक्षण है, और ये दो तरह से हम इसको रख सकते हैं, माइल्ड यानी हल्का भी हो सकता है और ये इसकी सीवियर फॉर्म एडवांस फॉर्म भी हो सकती है। तो अंडरस्टूड है कि अगर ये माइल्ड है यानी कम, अगर आपको हिर्सुटिज्म का प्रॉब्लम है तो आपको कम जो है हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगा। वही है कि अपर लिप हो सकता है, चिन पे हो सकता है और बैक पे हो सकता है आपको एक्सेसिव हेयर। और अगर यही हिर्सुटिज्म एडवांस फॉर्म में चला जाए यानी ये दिक्कत अगर आपको ज्यादा है तो उस केस में जो है आपको अपर बैक पे ज्यादा हेयर होंगे, शोल्डर पे भी अब जो है हेयर आ जाते हैं और लोअर एब्डोमेन के साथ साथ अपर एब्डोमेन, मैंने यहाँ पे इमेजेस लगा दी हैं, वहां पे भी जो है आपको एक्सेसिव हेयर हो जाते हैं। तो ये हमने बात करी और ये एक ऐसा इशू है जो 5-15% वीमेन को अफेक्ट करता है, एक रेशियो है ये। और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस की, जांच की, निदान की, कि आप क्या टेस्ट इसके लिए ज़रूरी हैं जो आपको करवाने चाहिए और कैसे फाइनल असेसमेंट होता है कि ये प्रॉब्लम आपको है। तो देखिए, फिजिकल इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, फिजिकली आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, पूरी सिम्टम्स, क्या आपको साइनस सिम्टम है, सारा सब कुछ, केस रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ लैब टेस्ट भी हैं, लैब टेस्ट में अगेन आपके सारे हार्मोन आ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी चेक करना ज़रूरी है, एंड्रोजन भी, प्रोलैक्टिन भी, ये कुछ हार्मोन्स हैं जो टेस्ट करने ज़रूरी हैं। इवन आपका थायराइड भी यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, जो जो लगता है आपको, जो रेलिवेंट लगता है वो सारे यहाँ पे टेस्ट करने ज़रूरी हैं। और फिर यहाँ पे एडवांस टेस्ट की अगर हम बात करें, जिसको कि हम इमेजिंग टेस्ट कहते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह आपका जो है एब्डोमेन का कर सकते हैं, लोअर एब्डोमेन का, पॉलीसिस्टिक पीसीओएस को रूल आउट करने के लिए कि उसकी वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड भी आपका किया जा सकता है। ये कुछ टेस्ट हैं जो ज़रूरी हैं जाँच के लिए, ये किए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन हिर्सुटिज्म के लिए, यानी अगर एक्सेसिव मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ है तो उसका होम्योपैथी में कितना ट्रीटमेंट इफेक्टिव है और कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने इमेज लगा दी है, REPL एक होम्योपैथी कंपनी ब्रांड है जो 53 ड्रॉप्स निकालता है। मेडिसिन आप खरीदें, मेडिसिन के ऊपर लिखा है कि क्या हिर्सुटिज्म के नाम से भी ये दवा आता है और कितना ड्रॉप्स आपको एक चम्मच पानी में, पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दिया, एक चम्मच पानी में 15-20 बूंदें आप ले सकते हैं दिन में 2 या 3 बारी। ये होम्योपैथिक दवा आपको लगातार लेना होता है, 2-3-6 महीने तक भी लेना पड़ सकता है और फिर धीरे धीरे चेंजेस आप खुद ही नोटिस करेंगे। तो ये मेडिसिन आप लगातार यूज़ करें और साथ ही साथ दो मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मैंने होम्योपैथी की रखी भी हुई हैं, जिसमें से अगर देखिए जितने भी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के हमारे पास केस आते हैं तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं थूजा से। थूजा एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हिर्सुटिज्म में बहुत इफेक्टिव रही है। तो थूजा 200 मैंने रखा हुआ है, हम नॉर्मली 200 से भी और 1 MPA इसकी पावर है, पोटेंसी है, से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में देखिए ड्रॉपर्स लगे हुए होते हैं, तो आपको करना ऐसे होता है जब भी आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें सबसे पहले थूजा की 3 या 2 बूंदे ले लें, डायरेक्टली जबान पे डालें और 24 घंटे तक आप कोई भी दवा यूज़ ना करें और जो भी मेडिसिन आपको यूज़ करना है अगले दिन यूज़ करें, 24 घंटे 48 घंटे के बाद यूज़ करें, 24 घंटे मिनिमम तक वो मेडिसिन आप यूज़, कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें, तो थूजा आपका एक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन है ओलियम जैक भी है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट भी कर दिया है, ओलियम जैक है, डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक करें, पूरी दवाइयाँ लिखी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में। ओलियम जैक है, नेट्रोम्यूर है, तो ओलियम जैक 3x में आप ले सकते हैं, दिन में 3 बार ले सकते हैं और सुबह दोपहर शाम खाने से आधा घंटे पहले यूज़ कर सकते हैं ओलियम जैक को। इस तरह से आप ओलियम जैक पे लगातार 2-3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगेन एक और मेडिसिन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है नेट्रोम्यूर, देखिए ये नेट्रोम्यूर मेडिसिन है, ये भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ जो कि हमने हिर्सुटिज्म का जो मेन कंसर्न है उसमें बहुत ही इफेक्टिव है। ये मैंने 1 mg, देखिए ये 1 mg पावर में है, तो ये बहुत इफेक्टिव है, इससे भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेट्रोम्यूर भी आप दे सकते हैं, इसमें ड्रॉपर लगा हुआ है, 2-2, 3-3 ड्रॉप्स आप दे सकते हैं और अगले दिन तक कोई दवाई नहीं देनी है और फिर जो है आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से होम्योपैथी में काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है जो हिर्सुटिज्म में काम करती है। जनरल हाइपरट्राइकोसिस जो हमने डिस्कस करा, जिसमें आपका पूरी बॉडी के बाल जो है ज़्यादा हो जाते हैं, वो जनरल प्रॉब्लम है। फिर हमने बात करी यहाँ पे हिर्सुटिज्म की, यानी कि मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ, और लास्ट में आता है विरिलाइजेशन। इन तीनों का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में पॉसिबल है, बहुत सी इफेक्टिव मेडिसिन रही हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, लिंक भी मैंने वहाँ पे दिया हुआ है, मेडिसिन के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। और जो है आप वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।